मोटर चालकों को एक दिन के लिए अपनी कार नहीं चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दुनिया भर में हर साल की तरह इस साल भी 22 सितंबर यानी बुधवार को वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साइकिल चलाकर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। सीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ अपने आवास से सचिवालय तक साइकिल चलाई। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी साइकिल से सचिवालय तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने साइकिल चलाकर जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। के प्रदूषण जैसे बढ़ रहा है तो पर्यावरण की सुरक्षा ये उसमें एक आवश्यक पहलू है। बहुत से कार्यक्रम पर्यावरण सुरक्षा के चल रहे हैं, उसमें एक ये है कि कम से कम एक दिन लोग अपने डीजल के पेट्रोल के वाहनों पर न चलें। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियां ये कम हो, ई वाहन वो ज़्यादा ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी और ऑक्सीजन बढ़े प्रदूषण कम हो उसके लिए भी अलग अलग आयाम इस पर काम किया जा रहा है। उसी में जैसे आज कार फ्री डे है तो हमने साइकिलों से उपयोग करके सभी हमारे ऑफिसर सभी मंत्री विधायक सब ऑफिस में कार्यालय में साइकिलों से आए हैं, साइकिलों से ही आज अपने घरों को वापस जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। 10 साल से पुराने वाहन उनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी ये बनाई गई है केंद्र द्वारा, और उस अनुसार हम भी 10 साल से ज्यादा के जो वाहन हैं वो सड़कों से कैसे हटाए जाए, उनकी जगह नए वाहन ई वाहन कैसे हम लाएं, इसके लिए एक गुरुग्राम में हमने प्रयोग किया है कि 5000 ऑटो वहाँ जो पहले से डीजल पेट्रोल पर चलते हैं उनकी बजाय ई ऑटो, इसका एक कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। पहले एक क्षेत्र विशेष में किया है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि शहरों से जो ऑटो चलते हैं डीजल पेट्रोल के उनके प्रदूषण की संख्या प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम कैसे किया जाए, तो ये हमने किया है। ई वाहन की हमारी एक पॉलिसी ये भी बहुत जल्दी हम लेकर के आ रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से, ताकि ई वाहन का प्रोडक्शन ये ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में प्रदेश में हो और इसका उपयोग भी हम ई वाहनों का अपने प्रदेश में कर सकें। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने सचिवालय परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। यहाँ सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका अवलोकन भी सीएम ने किया। वर्ल्ड कार फ्री डे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइकिल चलाकर सचिवालय पहुंचे तो वहीं बल्लभगढ़ के नगर निगम कार्यालय का नजारा कुछ और ही था। जब हमारी टीम बल्लभगढ़ के नगर निगम कार्यालय पहुंची तो वहां पर नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी अपने पर्सनल व्हीकल जैसे कार और बाइक से ऑफिस पहुंचे थे। ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें बोल रही हैं। नगर निगम कार्यालय में मौजूद कार और बाइक की तस्वीरें बता रही हैं कि उपायुक्त के आदेशों के बाद भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने आदेशों की अवहेलना की। इतना ही नहीं, पटवारी साहब तो बाजाब्ता अपनी कार से कार्यालय पहुंचे जब हमारी टीम ने उनसे वर्ल्ड कार फ्री डे पर साइकिल से आने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुन लीजिए। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी कौन से पद पर आप तैनात हैं? पटवारी साहब जो है जॉइंट कमिश्नर जो है सीपी साहब ने बोला, उसने डीसी साहब ने बोला है कि जो है सभी अधिकारी अपनी साइकिल से मोटर से गाड़ी से नहीं आएंगे, तो आप गाड़ी से आए क्या कह रहे थे? मैं तो सोते ही से आया हूँ, साइड देख के साइड विजिट कर के आया हूँ। तो गाड़ी से तो मना करा है ना उन्होंने, बिल्कुल सख्त आदेश दिए कि गाड़ी से नहीं आएंगे, कोई भी आएंगे गाड़ी दूसरे की है मेरी नहीं। तो गाड़ी से तो बिल्कुल मना करा है, दूसरे की है मेरी नहीं, मेरा। वही कार फ्री डे को लेकर नगर निगम बल्लभगढ़ के कर्मचारी कितने जागरूक थे उसका अंदाजा उनके बयानों से आपको लग जाएगा। मैं पैदल आती हूँ सर। हर रोज पैदल आते हैं? हाँ जी। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, आइडिया? हाँ जी, मैंने उसमें न्यूज में भी देखा था कि भाई कल से जो भी उस पे जाते हैं व्हीकलों पे आप साइकिल पे जाइए, हमारे डीसी सर ने दिया हुआ था उसमें ये जानकारी आपके पास। हाँ जी सर, लेकिन मैं तो डेली आती हूँ पैदल, मेरा पैदल का ही रास्ता है। निगम में आप पहुँचे तो क्या लगा आपको, व्हीकल कम नजर आए या ज्यादा नजर आए या वैसे? नहीं, आज तो कम ही।
उधर फरीदाबाद में वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर डीसी और एडीसी अपने तमाम कर्मचारियों के साथ साइकिल से कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सेक्टर 12 लघु सचिवालय परिसर में बाइक और कार पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। साइकिल से और पैदल पहुंचने वाले कर्मचारियों को गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया गया। 22 सितंबर को थ्रू आउट वर्ल्ड कार फ्री डे मिला था। हमने भी लोगों से अपील की है, फरीदाबाद के सभी डिपार्टमेंट से, आम जन से भी अपील की है कि इस दिन कम से कम व्हीकल्स का बिल्कुल प्रयोग ना करें, गाड़ियाँ बिल्कुल ना चलाएं, साइकिल से या तो आप अपना आना जाना करें या पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। इसके हमारे बहुत फायदे, आपकी सेहत ठीक रहेगी, पॉल्यूशन लेवल कम होगा, वातावरण अच्छा होगा, और जो ग्रीन फरीदाबाद और क्लीन फरीदाबाद की हम बात करते हैं वो भी इस डायरेक्शन में एक कदम। वहीं सिरसा में भी अधिकारियों ने नो कार डे मनाया और सभी अधिकारी अपने आवास से अपने कार्यालय तक पैदल मार्च करते नजर आए और लोगों को भी कम से कम वाहनों का प्रयोग करने का आह्वान किया। इस मौके पर सिरसा उपायुक्त, सिरसा एडीसी, सीटीएम और सीजेएम पैदल ही अपने कार्यालय पहुंचे। आज विश्व कार फ्री डे के अवसर पर मैं सभी सिरसा जिले निवासियों से अपील करता हूं कि वे कार छोड़ें और अपनी सेहत बनाएं और पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे हमारी सेहत बनेगी और जो वायु प्रदूषण हो रहा है उससे हमें निजात मिलेगी। जिस तरह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हमारी प्रकृति को इतना खतरा है हमारी खुद की ही एक्टिविटीज़ से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा फिक्स किया गया एक दिन, सो दैट हम लोग अपने घरों से पैदल निकले। मैं भी आज अपने कार्यालय पैदल जा रही हूँ ताकि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति हम लोग जागरूक हों और पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में कम हो। उधर झज्जर में भी कार फ्री डे मनाया गया। यहाँ उपायुक्त श्यामलाल पुनिया अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों संग साइकिल चलाकर ऑफिस पहुँचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से हमारे शरीर से काफी बीमारियां दूर होती हैं। वर्ल्ड कार फ्री डे एक तरह से बिगड़ते पर्यावरण को साधने की कोशिश है ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके और लोगों की जिंदगी आसान हो सके। लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद प्रशासन ने हर बुधवार को साइकिल से ऑफिस आने को लेकर रणनीति बनाई है, अगर प्रदेश, देश और दुनिया में ये थ्योरी अपनाई जाए तो पर्यावरण को स्वच्छ करने में काफी मदद मिलेगी। वहीं सीएम का खुद साइकिल से सचिवालय पहुंचना ये दर्शाता है कि सीएम पर्यावरण को लेकर कितने चिंतित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।